पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आजकल बहुत जेरे बहस है। पहली बात तो ये कि आपने फेक न्यूज से ही अपने आप प्रोग्राम का आगाज किया। आपकी वजीरों की आपको बता दें, जो फेक न्यूज वजीर दे रहे हैं उनको भी आप सुनाए। 860 पायलट्स उन्होंने पेपर दिए, उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया। आप कह रहे हैं गुलाम सरवर खान साहब की जो स्टेटमेंट है वो गलत है। सारे ये पोजीशन आपकी दोस्त है, किसी को आप ये फरला पकड़ाएं और उसको कहें प्रिविलेज मोशन ले आए। मैं थोड़ा सा आपको अर्ज करूं, रिसर्च काफी आपकी फजूल थी। हुकूमत गला घोंट रही है, इसका नोटिस यूरोपियन यूनियन ने भी लिया है कि अप्रैल के अंदर जो रेजोल्यूशन आया यूरोपियन पार्लियामेंट का, मीडिया के ऊपर जो तंगी हो रही है इसके ऊपर से कहा है कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस जो है उसको टेम्पररी तौर पे खत्म कर दिया जाए। ये जर्मन एम्बेसडर मेरे पास तशरीफ लाए और उन्होंने कहा देखिए जी पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बड़ा मसला है। तो मैंने कहा एम्बेसडर आप कितने केसेस हुए हैं? उन्होंने कहा कि वेल आई गेस 8 or 9। मैंने कहा जर्मनी में 900 केस है इस्लामोफोबिया का, आपने उसके ऊपर तो कभी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं इस कॉम्प्लेक्स से तो बाहर आ जाए। आप ये लेक्चर ना दें यूरोपीय यूनियन ने ये कर दिया, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। 5-10 करोड़ आपने कह के जी बंदे को फाइन होगा मैक्सिमम और 25 करोड़ होगा ऑर्गेनाइजेशन को। हाँ। आपने एक तलवार लटका दी कि कोई सच बोलने से भी डरे, झूठ तो दूर की बात है, ये इन इटसेल्फ इज अ क्राइम। ये आपकी क्रिमिनल एक्ट है। आप ये तो मैक्सिमम है ना, शुरू तो आपका 5 रुपए भी से भी हो सकता, डर तो मैक्सिमम का ही होता है। बेसिकली आपका पॉइंट ये है कि ऐसा लॉ होना चाहिए जिसका डर ना हो। पहले तवज्जो से मेरी बात में था कि मैं दोबारा नहीं समझाना चाहता, समझ लेना। मैं आपको यार ये 20 पॉइंट्स है ना जो आज हमने आसानी के लिए बड़ी बड़ी हेडलाइन में प्रिंट किए हैं कि शायद कोई पढ़ ले। हाँ। वो जरा निकलवा दे मालिक साहब के लिए ताकि कोई असल चीज थोड़े को भी हो। आप एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं क्यों? आपको मैं कल बुरा रखूंगा, आप मेरे पे केस बनवाएंगे, ट्रिब्यूनल मुझे सजा ठोक देगा। देखिए अगर मैंने आपको कहीं पे करना हुआ ना तो मैं आपको सिविल साइड पे लाऊंगा ही नहीं। हाँ। मैं तो आपको पर्चे में रहूंगा आपके ऊपर। मोहम्मद मालिक साहब की एक छोटी सी ख्वाहिश है, वो टीवी पे बैठे और जिस मर्जी की बेइज्जती करे, फेक न्यूज गढ़े, उसके बाद उनसे पूछा कोई ना।